हेलो एवरीबॉडी दिस इज एस पंडित एंड वेलकम यू ऑल टू द दैटलिस ग्रुप यूट्यूब चैनल बहुत टाइम से काफी दिनों से जब से हमने यूपीएससी का बैच वन लॉन्च किया था काफी लोग काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जो लोग कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए कुछ स्ट्रेटजी कुछ एक ऐसा वीडियो बता दीजिए जिसमें हम बुक्स वगैरह को पता लग जाए उसके बाद हम क्लासेस आपकी यूट्यूब वाली तो रेफर करते ही हैं, है यूट्यूब वाली जो क्लासेस आती हैं तो काफी लोग इस तरीके की डिमांड कर रहे थे जिन लोगों ने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं किया था तो आज मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें जो बुक्स इंपॉर्टेंट बुक्स है उस बुक्स की हम बात करेंगे और एक चीज ध्यान रखनी है मेरा जो हमेशा से स्ट्रेटेजी रहता है मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ दस साल के आसपास हो गया मुझे पढ़ाते हुए मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ कि आप जब भी किसी की पर्टिकुलर मटीरियल पे फोकस करो तो एक या दो इससे ज्यादा मटीरियल आपके पास नहीं होना चाहिए अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आज हम उन्हीं स्पेसिफिक बुक्स की बात करेंगे जहां पर जरूरत होगी वहां पर ही स्टैंडर्ड बुक्स आपको लेनी है अदरवाइज प्रिलिम्स की अगर हमसे बात करें तो प्रिलिम्स के अंदर बुक्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती नहीं है किस चीज की होती है वो मैं आपको आज समझाऊंगा तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021, 22 या 23 आगे आप कभी प्रिपरेशन करना चाहते हो उन लोगों के लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप बुक्स का डिस्कशन करेंगे और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने यूपीएससी का नया बैच भी लॉन्च कर दिया है बैच टू जिसमें प्री मेन्स इंटरव्यू सारी चीजें इंक्लूडेड है तो बैच वन के एडमिशन क्लोज हो गए थे 2000 सीट थी उसमें वो बंद हो गया था उसके बाद बैच आप लोगों की डिमांड पे हमने लॉन्च किया आपको पता है फीस जो है इसकी सिर्फ सोलह हजार रुपए है और अभी आ, स्टार्ट हुआ है जस्ट तो क्लासेस जो चार पांच हुई है वो आपको सेव्ड मिल जाएंगी और अगर आप ट्वेंटी या ट्वेंटी के लिए लेना चाहते हो दो साल ढाई साल के लिए लेना चाहते हो तो मात्र बीस हजार रुपये फीस सब कुछ इंक्लूडेड है ऑप्शनल को छोड़ के ऑप्शनल अभी अलग से लॉन्च हो जाएगा मंथ एंड के आसपास बहुत सारे ऑप्शन हमने इकट्ठे किए हैं हमारी टीम बहुत अच्छे से प्रिपेयर की हुई है सारी टीम में जितने भी लोग हैं सब आई में एग्जाम अपेयर कर चुके हैं ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग मीनस अटेम्प्ट कर चुके हैं मीन्स क्वालिफाई कर चुके हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड है काफी जिस तरीके से आप लोगों के मैसेजेस आते हैं आप लोग मोटिवेट होते हो हम लोगों को उन चीजों से और मोटिवेशन मिलता है कि सर आपने ये पढ़ाया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए काफी लोग का सी सेट की बहुत तारीफ करते हैं जीएस की बहुत तारीफ करते हैं रेगुलर एडिटोरियल रेगुलर डीएनए न्यूज एनालिसिस जो क्लासेस चल रही है उनसे रिलेटेड भी काफी लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये सब चीजें एक्चुअली हमें मोटिवेट करती है कि हम हम लोग और बेहतर आपके करना चाहते हो, वो कर सकते हो, हो वेबसाइट पे जाना साइन अप कर लोग आईडी पासवर्ड बन जाएगा आपका जैसे नॉर्मली बनाते हो लॉग इन करना कोर्स पे क्लिक कर देना ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट के सारे ई एमआई दिख जाएंगे उन लोगों के लिए जो लोग अपनी प्रॉपर वे में टारगेट प्रिपरेशन चाहते हो कि यूपीएससी यूपीएससीविल सर्विस दो हजार टारगेट कर रहा हूं तो उनके लिए ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक बैच है जो लोग जनरल प्रिपरेशन कर रहे हो जनरल एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हो जनरल बहुत सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहते हो उन लोगों के लिए यूट्यूब पे मैं लेक्चर लाता रहता हूं और आते रहेंगे तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है बट अगर स्पेसिफिक करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो तो आज मैं उन लोगों के लिए जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे उन लोगों को जरूरत नहीं है ये बुक्स की क्योंकि उनको सारा नोट्स सब स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो आप लोगों को जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है उनको इन बुक्स की रेफरेंस की जरूरत नहीं है जहां जरूरत पड़ेगी वहां बता दिया जाएगा जो लोग कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं जो लोग अपने आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग सिर्फ और सिर्फ बुक्स के हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए आज ये पर्टिकुलर लेक्चर में लेके आया हूं तो आज हम बुक्स का डिस्कशन करेंगे वन बाई वन उठा के सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इस बार के प्रीलिम्स के एग्जाम में ये चीज देखने को आई है चीज देखने को आई है की हिस्ट्री में खासतौर से और मेडिवल से बहुत ही अजीब से क्वेश्चन पूछ ले गए हैं जनरली स्टूडेंट्स एंशियंट और मेडिवल को हल्के में लेते थे पर इस बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जिसकी वजह से नंबर डाउन हो गए हम लोगों के तो आपको हिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर करनी है सबसे पहले हम बात करते हैं एंशियंट और मेडिवल की तो आप हिस्ट्री के लिए जो एनसीआर है वो आप उठाओगे क्लास इलेवेंथ की और उसी से आप कवर करोगे अपना एंशियंट और मेडिवल तो आपका जो मेन फोकस रहेगा एनशियट मेडिवल के लिए वो एनसीआर पे ही बेस्ड रहेगा कोई स्टैंडर्ड बुक की जरूरत नहीं है मैं हमेशा बोलता हूं स्मार्ट स्टडी करनी है आपको क्वांटिटी पे नहीं जाना है क्वालिटी स्टडी करनी है यही एनसीआरटी को चार पांच बार पढ़ के अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हो दैट विल बी अ बेटर स्ट्रेटेजी कॉन्फिडेंस भी आएगा और समझ में भी, भी आएगी चीजें से पचास बुक पढ़ लोगे रिवाइज कर नहीं पाओगे तो वही स्ट्रेटेजी यूज करना जो मैं बता रहा हूं उसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेसिफिक फ्रीडम स्ट्रगल वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ की एनसीआर आप उस आउट आ सकते हो अच्छा हिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ओल्ड एनसीआर ले कि न्यू एनसीआर ले, लेने को आप कोई भी ले सकते हो बट अगर आपको ओल्ड एनसीआर मिल जाती है टू से पहले की दो के पहले के साल की तो वो फोटो आराम से इजिली अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर तो उसको आप ले सकते हो अदरवाइज अगर नहीं मिलती है तो इट्स नॉट अ अश्यू कोई दिक्कत नहीं है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि वही लेने के लिए आप मार्केट में भीड़ में चले जाओ ऐसा नहीं करना है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम एंशियन मेडिकल की बात करेंगे तो मोर देन प्रीवियस ईयर लगाना उसके अलावा अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न की बात करते हो तो क्लास ट्वेल्थ एनसीआरटी आप ले सकते हो इसके साथ अगर आप सब्सिट्यूट करना चाहते हो तो पहली प्रेफरेंस स्पेक्ट्रम की रखना स्पेक्ट्रम आप मॉडर्न हिस्ट्री वाला ले सकते हो और उसको पहली प्रेफरेंस रख सकते हो उसके बाद भी अगर आपको टाइम बचता है तो आप विपिन चंद्रा रेफर कर सकते हो बट विपिन चंद्रा स्पेसिफिकली जनरली मेन्स के लिए ज्यादा बेटर रहती है फ्री में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है बट अगर आपके पास टाइम है और आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप यूज कर सकते हो बट अदरवाइज एनसीआरटी क्लास ट्वेल्थ और आपके पास Uh, spectrum, ये आपको लेना है प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात कर रहे हैं इनसे काफी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी बाकी प्रीवियस ईयर तो है वो तो आपको लगाना ही है आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं कि सर आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है उसमें काफी कंफ्यूजन होता है इस बार भी बच्चे पढ़ के बहुत जगह से जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कई वहां से आ जाते हैं तो मैं आपको एक चीज बता दू वैसे तो रेफरेंस बुक हर कोई बताता है कि भाई नितिन सिंघानिया आप पढ़ लो उससे काफी कुछ कवर हो जाएगा अच्छी बात है पढ़ना चाहिए आपको ये बुक भी आप ले सकते हो इसके अलावा कर ये जो अपना आर्ट एंड कल्चर है इसका कोई एरिया फिक्स नहीं है एनी तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको एक्चुअल में बताऊं मैं आपको तो मटेरियल आपको कलेक्ट करना पड़ेगा ये तो आप बुक खरीदी लो इसके अलावा अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो आपको मटेरियल कलेक्शन करना पड़ेगा टॉपिक सिलेबस में से उठा लो सिलेबस के हर टॉपिक को जैसे फॉर एग्जाम्पल थिएटर है तो थिएटर उठा लो थिएटर क्या होता है इंपॉर्टेंट थिएटर्स कौन कौन से हैं वो सारी चीजें आपको पढ़नी है फिर तो वो आपको डेटा जो है ना कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में यूपीएससी में कहीं से भी उठा के क्वेश्चन देते हैं स्पेसिफिक इस बुक से नहीं आएगा ये ध्यान रखना दे कैन आज फ्रॉम एनी और अगर आप कोर्स ज्वाइन किए हो तो आपको पता है फिर हमारे वीडियोज और नोट्स काफी है फिर आपको बुक्स वगैरह कुछ नहीं देने क्योंकि हम ऑटोमेटिकली सारा मटेरियल आपको कंसाइज करके इधर उधर से इकट्ठा करके जो बेस्ट टू बेस्ट मिलता है वो क्लास और नोट्स की फॉर्म में देते हैं तो सिर्फ आपको वहीं तक अपने आप को रोक के रखना है कुछ खरीदना नहीं है फिर उस केस में अदरवाइज यू हैव टू कलेक्ट द मटेरियल मैं सच बता रहा हूं एक बुक के या एक पर्टिकुलर बुक के भरोसे मत बैठना एक पर्टिकुलर नोट्स के ठीक है अगर आप बाजार से परचेज करते हो तो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा चीज तो को ध्यान रखना नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिटी की पॉलिटी के लिए हर कोई प्रेफर करता है लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है प्रेफर कर सकते हैं दो तीन जगह बस इसमें कॉन्ट्रोडिक्टी है तो वो वो आपको पता होनी चाहिए जो पढ़ता है उसको पता है कहाँ पे क्या इन्होंने गड़बड़ किया हुआ है इसके साथ साथ लक्ष्मीकांत के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए आपको प्रीवियस ईयर सब्सिट्यूट करना लास्ट दस साल का प्रीवियस ईयर के जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको लक्ष्मीकांत के साथ साथ रेफर करने हैं कि भाई अगर मैं ये पार्ट फाइव पढ़ता हूं तो पार्ट फाइव से कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल यूपीएससी के अंदर देखा गया है पॉलिटी इतनी टफ नहीं आती है हल्की फुल्की पॉलिटी आती है तो अगर आपने पिछले लास्ट दस साल के प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा रखे है और लक्ष्मीकांत को भी एक बार ठीक से पढ़ रखा है तो आप पॉलिटी बना लोगे इसके अलावा फिर वही चीज है अगर आप कोर्स लिया हुआ है वीडियो वाला तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है आप हमारे कैटलिस्ट के कोर्सेस और नोट से ही पढ़ना बिल्कुल कहीं कुछ नहीं करना है आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी की बात करते हैं इकोनॉमी बहुत कंफ्यूजिंग रहता है सब बच्चों को लगता है इकोनॉमिक टफ है इकोनॉमी कहां से पढ़ना है अगेन द सेम थिंग देखो अगर हम प्रस एस्पेक्ट में बात करेंगे तो इकोनॉमी के लिए एनसीआर पढ़ लेना आपको इलेवेंथ क्लास की एनसीआरटी इलेवेंथ क्लास की आपको लेनी है उसके बाद इकोनॉमिक जो अपना सर्वे आता है वो सर्वे आपको पढ़ना है हाँ अगर आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है बुक जो है पे रमेश सिंह रेफर करते हैं इतना कोई मैंडेटरी नहीं है प्रिलिम्स के लिए मेंस में आपको लगता है कि मुझे पढ़ने बहुत मजा आ रहा है मेरे पास बहुत टाइम पंद्रह घंटे पढ़ लेता हूं मैं तो इन केस यू कैन डू दैट पंद्रह घंटे पढ़ना मत बेटा लेकिन है ना बीमारी को भी दूर भगा के रखना है छह घंटे मैक्सिमम सात घंटे बहुत होता है अगर रेगुलर पढ़ते हो तो अदरवाइज एनसीआर इलेवेंथ क्लास की और ये सर्वे आपका मोर देन इनफ है इससे की जरूरत नहीं क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के लगा लेना देखो चीजें क्या होता है ना इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली करंट के साथ मिक्स होकर आते हैं तो करंट अफेयर तो आपको रेगुलर पढ़ना ही है देखो करंट अफेयर को हल्के में मत लेना अभी सोर्स भी बता दू कर करंट अफेयर कहां से पढ़ना है करंट अफेयर को बच्चे हल्के में लेते हैं वो हल्के भी निकल जाते हैं फिर तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जनरली करंट से रेट करके आते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स के जो बेसिक पॉइंट है वो पता होने चाहिए फिर करंट अफेयर्स पता होना चाहिए तो आप रिलेट कर पाओगे को रिलेट कर पाओगे चीजों को ठीक है तो बुक इतनी रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज को नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की इंटरनेशनल रिलेशन में आपको ये एनसीआरटी है क्लास ट्वेल्थ की इसको पढ़ना है यहां से आपको काफी इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स मिल जाएंगे जो इंटरनेशनल रिलेशन के इसके अलावा कोई भी नया एग्रीमेंट कहीं भी नई कंट्री में नरेंद्र मोदी ने विजिट किया हो लास्ट टू इयर्स में जितनी भी कंट्रीज में विजिट किया हुआ है उनकी पॉलिसीज वो सारी चीजें आपको पढ़नी है इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है ठीक तो वो चीजें आपको कहां से पता लगेंगी वो चीजें आपको सी ए करंट अफेयर से पता लगेंगी तो अगेन दस इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एनसीआर टी ट्वेल्थ क्लास मोर देन इनफ उसके बाद देन यू हैव टू गो थ्रू करंट अफेयर करंट अफेयर एडिटोरियल अब न्यूज़पेपर के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े हिंदी मीडियम वाले बहुत घबराए रहते हैं कि कौन से न्यूज़पेपर पढ़े तो वो सब मैं अभी क्लास के एंड में यहाँ पे आपको समझाऊंगा साइंस एंड टेक की बात करते हैं साइंस एंड टेक कहां से पढ़ना है तो आप यहाँ पे भी एनसीआरटी रेफर कर सकते हो एथ क्लास की जो छोटी एनसीआरटीज होती है बट इतना हमें पता होता है अगर आपको एनसीआरटीज रेफर नहीं करनी है तो यहाँ पे आप साइंस एंड टेक के लिए लूसेंट भी रेफर कर सकते हो उससे आप साइंस पढ़ सकते हो लेकिन वो साइंस है अब आपको जो बेसिक करंट अफेयर के रिलेटेड नई नई टेक्नोलॉजी है जो नया कुछ चेंज आ रहा है उसके लिए अगेन यू हैव टू रेफर करंट अफेयर करंट अफेयर डायरेक्टली नहीं आपको कमी मिलता है ज्यादा लेकिन इनडायरेक्टली इतने क्वेश्चन मिल जाता है कि वो ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर अपनी वेटेज लेके पहुंच जाता है करंट अफेयर क्योंकि वो हर जगह से जुड़ा हुआ है कनेक्टेड है तो यहाँ साइंस एंड टेक के लिए आप ल्यूसेंट वगैरह से अपना बेस एक बार प्रिपेयर कर सकते हो कि आपको पता हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या होता है उसके बाद बायोटेक क्या होता है बायोटेक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बाद जो भी नई टेक्नोलॉजीज है नई चीजें हैं वो आप पढ़नी पड़ेगी वो आप न्यूज से रेफर कर सकते हो करंट अफेयर आप जहां से प्रिपेयर करते हो ठीक है बाकी हम लोग तो वीडियोस में प्रोवाइड करते ही है और नोट्स भी देते ही आपको उसमें से अगर पढ़ना है जो अगर आप क्लासरूम स्टूडेंट हो ऑनलाइन क्लास के, के तो इन दैट केस न्यूज पेपर जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो डीएनए देखने के बाद पढ़ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट पूछते हैं सर न्यूज पेपर के वीडियो तो हम पढ़ लेते हैं उसके बाद एडिटोरियल की भी एनालिसिस हम पढ़ लेते हैं रोज की तो उसके बाद क्या न्यूज पढ़ना जरूरी है जरूरी नहीं है बट हाँ अगर आप उसको पढ़ते हो तो आपका थोड़ा कहीं ना कहीं लैंग्वेज और राइटिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होगी आपकी वो क्या आप इंप्रूव होगी तो आपको एग्जाम से मीन में काफी हेल्प होगी तो जब आप आंसर्स लिख के भेजते हो और देखा जाता है हमारी टीम चेक करती है आपके आंसर्स तो उसमें वो कमियां निकलती है न्यूज पढ़ोगे तो आपको बेटर तरीके से आंसर बनाना आ जाएगा ठीक है एनवायरमेंट की बात करते हैं इन्वायरमेंट में काफी कंफ्यूजन रहता है क्योंकि एनवायरमेंट भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगेन इनवायरमेंट में भी करंट अफेयर कोई नई पॉलिसी कोई नई चीज आ रही है वो करंट अफेयर के थ्रू आपको पता लगेगी एनवायरमेंट से रिलेटेड इसके अलावा एनआईओ के नोट्स आप ले सकते हो ये भी इन्वायरमेंट के नोट्स मिल जाते हैं आराम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे यहां से आप रेफर कर सकते हो एनवायरमेंट के अंदर भी करंट अफेयर ये मोर देन इनफ है देखो जितना ज्यादा मटेरियल स्टूडेंट्स की आदत होती है भाई इतना मोटा मोटा बुक बना लोगे इतना गड्डी बना लोगे उससे कुछ फायदा नहीं होता है कंफ्यूज ही होगा उससे जितना ज्यादा आप चीजों को बढ़ाओगे ना उतना ज्यादा दिमाग के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करोगे इट्स बेटर कि भाई थोड़ी सी चीजों में स्टिक रहो हंड्रेड में से हंड्रेड नहीं ला सकते ना हंड्रेड में से सिक्सटी वाला टॉपर होता है तो आप अगर सेवेंटी का भी करके आते हो तो आप फिफ्टी सिक्सटी के बीच में आ जाओगे हमें तो भैया टॉप भी नहीं करना हम क्या हम नहीं मानते ऐसे कौन सोच के जाता होगा कि मैं तो फर्स्ट आऊंगा कोई नहीं सोचता ना अपना जो प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन है आप स्टिक प्रॉपर तरीके से क्वालिटी प्रिपरेशन करो तभी एग्जाम निकलेगा पीएचडी मत करने बैठ जाना कि भाई इवायरमेंट की दस किताबें ले आई इस कोचिंग का नोट्स ले लो उस कोचिंग का नोट्स ले लो ऐसे नहीं होते हैं सिलेक्शन फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे नेक्स्ट ज्योग्राफी की बात करते हैं ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल जोग्राफी के लिए जीसी लिओंग बुक काफी अच्छी है ले सकते हो आप हाँ सर्टिफिकेट करके इसका नाम लिखा हुआ आता है वैसे बुक ही है इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पे सारी की सारी तो जीसी लिओंग आप ले सकते हो एक अपना रेफरेंस मटेरियल के लिए रख सकते हो बट जो इससे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एनसीईआरटी आपको लेखनी है सिक्स क्लास की जो है ओल्ड एनसीईआरटी ओल्ड एनसीआरटी जोग्राफी के लिए आपको सिक्स क्लास की उठानी है और उसके बाद इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास की एनसीआरटी नई वाली उठानी है नई एन एन एनसीआर टी है तो इससे आपका बेस डेवलप हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो इन दैट केस यू कैन रेफर फर्स्ट एंड देन यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक इस पे आप जा सकते हो बट एनसीआर से पहले अपना बेस बना लेना ठीक है हम लोग कोर्स के अंदर एनसीआर टी वगैरह सब कवर करा रहे हैं तो वहां आपको कुछ नहीं रेफर करना है ये उन स्टूडेंट्स को फिर से बोल रहा हूँ जो कोर्स में है उनको नहीं पढ़नी एनसीआर टीज बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं मेल आते रहते हैं कि सर एनसीआर पढ़नी नहीं पढ़नी हम लोग कवर करा रहे हैं सारा बेस आपको क्लास के अंदर तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं आप सिर्फ नोट्स पढ़िए उसके बाद एट

अब बात करते हैं सी सेट के लिए साथ सी सेट के लिए क्या किया जाएगा सी सेट के लिए जो एप्टीट्यूड मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट है उसके लिए आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर ही लगाने हैं बार बार उनमें जो जो टॉपिक्स कवर कराए गए हैं वो सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट आपको डेवलप कर रहे हैं अब सी सेट के लिए पढ़ना कहां से उसके लिए मैं अभी आपको बता देता हूं हम लोगों ने एक बच्चों की डिमांड पे एक चीज बनाई है वो भी मैं आपको समझा देता हूं अभी उससे आपको सी सेट में काफी हेल्प मिल जाएगी तो सी सेट आप पहले कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो आप अपने उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद वॉट यू कैन डू इज दैट यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर प्रियस ईयर से दवा के क्वेश्चन लगाओ जितने लगा सकते हो जितना मन होते क्वेश्चन लगाओ प्रीवियस ईयर से लेकर इस चीज को ध्यान रखना है आपको ठीक अब सी सेट के लिए क्या कर रहा है कैसे कॉन्सेप्ट तो पूरा जो सी सेट है मैथिटी रीजनिंग इंग्लिश कॉम्प्रीएसन वाला जो पूरा पार्ट है उस सबके लिए हम लोगों ने एक कोर्स इस वीडियो के बाद लॉन्च हो जाएगा दो हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए का कोर्स निकाला है इस कोर्स में पूरा सी सेट जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है जीके वाला पार्ट नहीं है जीके वाला पार्ट बहुत ब्रॉड है उसके लिए हमने पूरा कोर्स निकाला हुआ है जिसमें सी सेट जी सब कुछ है वो सोलह हजार रुपए का है इसके अलावा अगर आप सिर्फ सी सेट चाहते हो सिर्फ एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला पार्ट चाहते हो आप लोग तो वो दो हजार नौ सौ निन्यानवे आपको मिल सकता है जो लोग यहाँ पे कमजोर हो क्योंकि इस बार भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है जीएस पे तो काफी पढ़ लिया सी सेट में मिनिमम जो जो चाहिए होती परसेंटेज वही नहीं लेके आ पाए मिनिमम जो परसेंटेज चाहिए होती तो सी सेट को हल्के में मत लेना सी सेट इंपॉर्टेंट है लोग हल्के में ले जाते हैं फिर हल्के में निकल जाते हैं किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना क्योंकि यूपीएससी में वजन काफी होता है ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं बाकी यहाँ पे ये कोर्स के लिए खरीद सकते हो आप इसमें से वीडियोस देख लेना और इस वीडियो के खत्म होते ही सात बजे से सी के के एडमिशन एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे यूपीएससी बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है आप ज्वाइन कर सकते हो उसके एडमिशन ओपन है क्लास जितनी जल्दी स्टार्ट कर दो तो उतना अच्छा है और वेलिडिटी एग्जाम्स के मेंस तक रहेगी 2021 वाला लोगे तो तब के मेंस तक 2022 वाला लोगे तो उसके मेन्स तक रहेगी तो मतलब डेढ़ दो साल तक तीन साल तक आपके पास कोर्स रहने वाला है अब बात करते हैं सर करंट अफेयर की सोर्स क्या रहेगी अपने को करंट अफेयर कहां से पढ़ना है ये समझ में आ गया ना प्रीवियस ईयर तो आपको रखनी है वो तो आपका समझ लो गीता बाइबल कुरान प्रीवियस ईयर है कॉन्सेप्ट पकड़ के प्रीवियस ईयर से पता करना है कि कहां से क्या क्वेश्चन कितने लेवल तक जाता है खासतौर से स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बाहर नहीं जाएंगे घुमा फिरा के वहीं से आ रहे होते हैं ठीक है थोड़ा बहुत बस नया नेहा करते हैं वो आप अपने तरीके से जब पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आई जाएगा बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स के लिए देखो न्यूज़पेपर तो डेली आपको पढ़ना है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं सर हिंदी न्यूज़पेपर इतना अच्छा नहीं बिल्कुल नहीं होता इसलिए हिंदी जो मीडियम अच्छे होते हैं उनको करंट पे काफी प्रॉब्लम होती है खासतौर से मेन आंसर राइटिंग की बहुत दिक्कत होती है क्योंकि न्यूज़पेपर्स इतने अच्छे छपते नहीं और जो भी न्यूज़पेपर छपते हैं द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस सब इंग्लिश के अंदर आते हैं तो अब आपको यहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे पढ़ना है अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आपको इंग्लिश बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं एकदम जीरो परसेंट कंफर्टेबल हो तो इन दैट केस फिर आपको हिंदू ट्रांसलेट करके या कैसे भी करके उसके एडिटोरियल तो आपको एटलीस्ट रिकवर अपना कवर करना है बाकी मतलब भारत टाइम्स वगैरह आप पढ़ सकते हो बट एडिटोरियल हिंदू का आपको पढ़ना ही पढ़ना है नो no ऑप्शन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं उसके अलावा इसके अलावा ये डेली करंट अफेयर पढ़ना रोज आपको करंट अफेयर पढ़ना है अब अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है उनको हम न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस के डेढ़ घंटे के रोज वीडियो देते हैं तो उनको तो वो और पीडीएफ भी मिल जाते हैं वो पूरा एनालिसिस का वीडियो मिलता है उनको उनको हटा दो अभी वो तो यहां पे देख के अपना कवर करते हैं अपने शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं जो बच्चे जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है जो अपने आप सेल्फ स्टडी करके खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कैसे करना है आपको आपको क्या करना है आपको जो भी करंट अफेयर आप देखते हो जो भी आप न्यूज पढ़ते हो उसमें से मैंने एक वीडियो डाला था पिन कर दूंगा उसको भी पहले कमेंट में डाल दूंगा उसमें न्यूज में क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था तो उसको एक बार देख लेना उस वीडियो को उसमें से फिर आप न्यूज उस तरह से सेलेक्ट करके शॉर्ट फॉर्म में न्यूज बना लिया करना करंट अफेयर कभी याद नहीं कर पाओगे क्योंकि

पेपर से पढ़ना है एडिटोरियल भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कितना किस लेवल तक एडिटोरियल पढ़ना है तो उस वीडियो को जरूर देखना उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी करंट अफेयर की इसके अलावा नेक्स्ट मंथ हमारी करंट अफेयर मैगजीन लॉन्च हो जाएगी इस करंट अफेयर मैगजीन में मंथली मैगजीन होगी हर महीने आ जाएगा बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट होगा इसका भी जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं उसमें हमने सारे न्यूजपेपर का ऑटोमेटिकली निचोड़ निकाल के डाल दिया है जैसे हमारी जो एनालिसिस अनालिसिस होती है उसमें सारे के सारे न्यूजपेपर जो अच्छे अच्छे होते हैं उसमें हमारी टीम एनालाइज करती है और उसकी वीडियो बनाते हैं तो एक मैगजीन हम इस तरीके से निकालेंगे उसमें काफी चीजें आपको मिल जाएंगी उसमें

अप्रोच ये थी कि सबसे पहले एग्जाम को जान लो एग्जाम को पहचान लो प्रीवियस ईयर उसका ले लो उसके बाद क्या करो एक स्पेसिफिक अपना एक दायरा बनाओ कि इतना पढ़ना है इतनी किताब से पढ़ना है इतनी तैयारी करनी है बस उस दायरे के बाहर कोई भी मुझे अगर लेके जाना चाहेगा तो मैं नहीं जाऊंगा बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि मेरा जो दोस्त है वो उधर जाता है उसके पास ये नोट्स है वो भी ले लेता हूं वो भी मुझे दे रहा है ले लेता हूं नहीं जब अपने आप को उस दायरे से बाहर निकालोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे आपकी प्रिपरेशन जाएगी और फिर आप उतर जाओगे रास्ते से आपको अपना दायरा फिक्स रखना उस दायरे के अंदर जो आपने पहले फिक्स करके रखा है कि मुझे यहाँ से पढ़ना फिर वो ही से पढ़ना आपको फिर उसके बाद आपको ट्रस्ट रखना है उस मटेरियल पे चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे वो आपका स्टडी मटेरियल हो चाहे वो बुक्स हो आपको भरोसे के साथ उसी पे स्टिक रहना और प्रीवियस ईयर अपने क्वेश्चन लगाते रहने ठीक इतना आपको ध्यान रखना है तो इतना मैं आपको समझाना चाहता था बाकी कोर्स के एडमिशन ओपन है सी साइड का जो दो हजार नौ सौ निन्यानवे वाला कोर्स है उसमें सारे सी साइड की वीडियोस वगैरह आपको मिल जाएंगे मैथ्स वगैरह सब कुछ है वो आज शाम सात बजे से एडमिशन उसके स्टार्ट हो जाएंगे वो भी ज्वाइन कर सकते हैं उस अलाउड है उसमें इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर और पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक चीज पे वीडियो चाहिए हो आपको तो जरूर बताना कमेंट में मैं जरूर उसकी एनालिसिस करके वीडियो लेके आऊंगा मस्त रहो खुश रहो और मेहनत करते रहो और कुछ ऐसा करो जिंदगी के अंदर जो आप खुद से चाहते हो अगर आप चाहते हो मैं उस कुर्सी पे बैठू अगर आप चाहते हो कि मैं उस गाड़ी पे बैठू अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ बनू मेरी कुछ पहचान हो जिस पहचान से मेरे माँ बाप को पहचाना जाए तो उसके लिए आज ही टाइम है मेहनत कर लो अगर आज दम लगा दोगे तो कल आप ही का होगा ध्यान रखना इस चीज को थैंक यू have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination that is engineering services gate or state services let me tell you let me give you the basic introduction let me explain you the things the reason is that because these examination need a perfect analysis analysis means you should know everything to so here in catalyst group in my classes where i'll give you the analysis of the exam i'll give you the theory lectures i'll give you the

सेशंस पे लेंगे जहाँ पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो फोन पे व्हाट्सएप पे आमने सामने बैठ के सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा कुछ मोटिवेशनल सेशन होंगे प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी नोट्स होंगे हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी आपको ए टू जेड इच एंड एवरी प्रोवाइड किया जाएगा हर कोर्स में हमारे पास